आज भी जातीयता जो है बहुत ही चरम स्थिति पे है, और जातिवाद पहले सदृश व्यवस्था में दिखाई देते थे, आज अदृश्य व्यवस्था में हो गई है। ओवरऑल पूरे जो दलित समाज के लोग हैं उनके जो शिक्षा का माहौल है, शिक्षा का स्तर है, वो एकदम लगातार डाउन होता चला जा रहा है। केवल SC के लड़के जो है वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने का काम कर रहे हैं, और वहाँ भी टीचर्स के हालात बहुत ही नाजुक, चूँकि वहाँ भी सारे वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं जो उसमें टिके हुए हैं और बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, और ख़ास करके लड़कियों को तो और भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, चूँकि उनके दिमाग में होता है कि ये लड़कियाँ जो दलित समाज की लड़कियाँ उभर के आ रही हैं, इनको बस केवल सेवा करने का अधिकार है और ये प्रयोग की वस्तु हैं, इसलिए जो है उनको पढ़ाना जरा सा भी नहीं चाहते वो लोग, और इसीलिए उनके साथ तमाम तरह के भेदभाव होते हैं। उनको किस तरह दौड़ाया जाता है, कभी एडमिशन के नाम पर, तो कभी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर। इस सरकार ने भी तुरंत लगा दिया है कि शपथ पत्र बनवा के लाइए, शपथ पत्र के बाद फिर अभिभावक शपथ पत्र बनवा के लाइए, मतलब 700 रुपये का अगर उनको स्कॉलरशिप मिल रही है तो 1700 रुपये उनको जो है इन्वेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि वो लाइफ में कभी एडमिशन लेने का नाम ही ले लें और उनकी पूरी शिक्षा जो है वहीं पर ध्वस्त हो जाए। ऐसे क्लास के जो स्ट्रगल कर रही लड़कियां आगे बढ़ के बढ़ना चाह रही हैं और वो पढ़ना चाह रही हैं, ऊपर की हालात उनके ये हैं कि उनको वहाँ तो एकदम पहली बात तो एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है, कि किसी तरह से एडमिशन भी हो रहा है तो उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं छात्रावास में। इस स्पेशल कंपोनेंट प्लांट में इतने पैसे पिछले साल 9455 करोड़ रुपया जो है उत्तर प्रदेश के लिए आया, और जनपद जौनपुर के लिए लगभग 50 लाख रुपये जो है वो छात्रावास के लिए आए, लेकिन वो छात्रावास कहीं भी ज़मीन पे दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमारे समाज की लड़कियों के लिए उनके रहने की भी कोई सुविधा नहीं, इसीलिए वो खास करके असुरक्षित महसूस करते हुए वो जो है एडमिशन नहीं करवा पाती हैं वहाँ पे। इससे साफ जाहिर होता है सरकार की मतलब जातिवादी सोच जो है, सरकारी तंत्र की नीयत क्या है, वो साफ साफ जाहिर होती है कि जातिवाद आज भी पिछले की अपेक्षा चरम पर है। डबल दोहरी शिक्षा नीति जो है कर दी गई, एक विद्यालय जो है सरकारी होगा तो दूसरा विद्यालय होगा जहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे दलित समाज की लड़कियाँ उसमें प्रवेश ही नहीं ले पाएंगी, इतनी महंगी शिक्षा हो गई। तो महंगी शिक्षा होने के नाते तो गरीब समाज जो पढ़ा नहीं पाता बच्चों को अपने, और ख़ास करके जब बच्चियों की बात आती है तो चूँकि सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ भी चरम पर है, इसलिए जो है लोग लड़कियों को ऐसे बहुत ही कम लोग सोचते पढ़ाने के लिए, और जो पढ़ा भी रहे हैं वो सारी जो सरकार की महंगाई है उस महंगाई के नाते जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आज भी उनको चूँकि एजुकेशन में न जा पाए इसलिए रेप की घटना तो बहुत मेजर मतलब एक ओवरऑल जारी हो गई है। अगर उनको पता हो गया कि दलित समाज की लड़की है वो साइकिल से जा रही है तो उसको धक्के देना, ताने कसना, छीटा कसी करना, ये इस तरह से जो है उनको वो करना कि मतलब ताकि ये आगे न बढ़ पाए इस तरह से। और एक सबसे बड़ा स्लोगन लोग प्रयोग करने का काम करते, जो भी लड़की थोड़ा सा बढ़ना चाहती है उसका एक नाम देते हैं लोग, ये मायावती जा रही है। 15 अगस्त के दिन जो है दलित छात्रावास में घटना घटित हुई, इधर लोग आज़ादी का जश्न मनाए जा रहे थे, उधर एक दलित छात्र जो है उसका मतलब उसके रिलेटिव कोई आया हुआ था, और उसी छात्रावास के में जो उसके प्रबंधक थे, आयोजक थे, मतलब प्रबंधक जो थे उसको संचालित करने वाले ठाकुर साहब थे, उनकी बाल्टी रखी हुई थी, वो लड़का जाके उस बाल्टी से पानी पी लिया, इतना बुरी तरह उसको मारा गया उस बाल्टी से पानी पी लेने के लिए। दलित छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास है, और इतना बुरी तरह से मारा कि लोग आज़ादी के जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ उसको मार के फ्रैक्चर कर दी, 4-4 फ्रैक्चर उसके हाथ और पैर में हुए थे। जो मेन फोकस की जगह है जहाँ पर उस पर उन लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, सरकार को दिखाना है इनको, इसलिए कि इतने बच्चे यहाँ टॉप के मतलब ये इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल रही है, लेकिन टॉप पर आप किसी भी SC के बच्चे को नहीं पाएंगे। और उसका एक ही मेन चीज़ है कि आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जातिवादी जो सोच है वो एकदम अपना पूरा का पूरा पैर पसारे हुए है, कभी भी दूर नहीं होने वाली है, इसलिए सत्ता संपत्ति पर लोग कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, गरीबों को गरीब ही बनाए रखना चाहते हैं।